कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा कुरंत के ग्राम कांदोपानी में अवैध रेत का उत्खनन अपने चरम पर है। भास्कर मिश्रा व जेपी राणा उर्फ छोटे बैस कर रहे हैं अवैध रेत का उत्खनन व भंडारण। इन दिनों ग्राम पंचायत के नाम पर अवैध रेत का कारोबार अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, चाहे वह पिपरा कुरंत का कांदोपानी हो, चाहे वह कोयल खूत हो या फिर चाहे वह कटोली हो। इन सब ग्राम पंचायतों पर खनिज रेत माफियाओं का चल रहा है राज। ऐसे में खनिज विभाग पर उठ रहे हैं कई सवाल। इन रेत माफियाओं पर कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले हैं बुलंद। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय जहां कांदोपानी में शासकीय खदान जल भराव के कारण बंद है, वहीं रेत माफियाओं द्वारा कांदोपानी के खदान से थोड़ी दूर पर अवैध रेत का उत्खनन और भंडारण किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भास्कर मिश्रा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, वहीं जेपी राणा उर्फ छोटे बैस पहले से ही अवैध रेत का पुराना माफिया व खिलाड़ी है। आगे सूत्र बताते हैं कि जेपी राणा उर्फ छोटे बैस द्वारा गर्मी के दिनों में रेत नदी के बड़ी पुल के नीचे से अवैध रेत का उत्खनन भंडारण कर डंपरों द्वारा यूपी भेजा जाता है। रेत माफियाओं का खनिज व पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है पूरा सहयोग। सूत्रों का कहना है कि रेत माफियाओं द्वारा उत्खनन कर उत्तर प्रदेश भेजा जाता है और कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा ही अवैध रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे नेताओं को तो पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए जो अवैध कामों में संलिप्त है और पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।